किस वार्ड से खड़ा है, पूरा परिचय बताइए। अपना नाम है पिंकी कुमारी, नगर पंचायत से खड़े हैं वार्ड में। कितना नंबर वार्ड है आपका? कितने नंबर वार्ड? 13 नंबर। आपका मुद्दा क्या होगा? राजनीति मुद्दा आपका क्या है? विकास। और नल नहीं लगा हमको वार्ड में। हमको माने इससे पहले जो जीतल थे वो कोई विकास के काम नहीं किए, इसलिए हमको गार्जियन लोग, समाज के लोग, पूरा लोग मिल के हमको, हम इससे पहले वार्ड थे हैं, बीच में हम नहीं रहे। तो लोग कहें कि नहीं एम की बार फिर खड़ा होना है, तो हम अपना पत्नी के खड़ा कराए हैं विकास करने के लिए। जो सरकार के तरफ से आएगा वो जनता में हम देंगे। क्या आपके वार्ड में जो नहर नाला की कमी है, हाँ, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ है हम लोगों को। आप जीतने के बाद सबसे पहला क्या करेंगे? सबसे पहले नल के काम कराएंगे, नदी नाला के काम कराएंगे, सड़क का काम होगा। जे विकास माने जो होता है जनता के हित में, वही हम काम करेंगे। हमको यही मेन मुद्दा से हमको गार्जियन लोग खड़ा कराए हैं। युवा के लिए आप क्या बताएंगे? युवा के लिए स्कूल सही से नहीं चल रहा है, वो स्कूल को देख रेख करेंगे कि सही से टाइम से बच्चा जाए पढ़े। बेरोजगारी पे क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी पर तो रोजगार सरकार के तरफ से है, बाकी कागज पर माने लोग जो जीतते हैं वो कागज पर रख लेते हैं सारा योजना। जनता से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं? जनता से क्या अपील कर रहे हैं? जनता से तो अपील, जनते लोग तो हमको खड़ा कराए हैं, तो उनको अपील क्या करें? यही कहते हैं कि बहुत से बहुत वोट देकर पिंकी कुमारी के 13 नंबर वार्ड से जिताए। पूरा परिचय आप अपना बताइए। मेरा नाम हुआ अरुण कुमार, ग्राम फरीदपट्टी, थाना मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर, वार्ड 13।